नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। पिछले साल तुर्की के ऐतिहासिक सीरीज अर्तुगरुल गाजी ने उर्दू में डब होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। इस बीच अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान पर बनी तुर्की की सीरीज कुरलुस उस्मान भी उर्दू में आ गई है, जिसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। पिछले साल लॉकडाउन में रमजान के दौरान अर्तुगरुल गाजी को लोगों ने बड़े पैमाने पर देखा था, तो इस लॉकडाउन में कुरलुस उस्मान को देख रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान पर बनी सीरीज कुरलुस उस्मान ने उर्दू में आते ही धूम मचा दी है। पिछले साल रमजान के महीने में पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी ने अर्तुगरुल गाजी को तुर्की भाषा से उर्दू में डब किया था, जिसके बाद इस सीरीज ने दक्षिण एशिया में धूम मचा दी थी। यूट्यूब पर ऑनलाइन देखने के मामले में भी इस सीरीज ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। ये सीरीज सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले एक तुर्क योद्धा अर्तुगरुल गाजी पर बनी हुई है। इस सीरीज के टोटल 5 भाग है। वर्तमान में इसका तीसरा सीजन प्रसारित हो रहा है। इसके साथ साथ कुरलुस उस्मान का पहला सीजन भी शुरू हो गया है। कुरलुस उस्मान का निर्माण भी अर्तुगरुल गाजी सीरियल बनाने वाले मेहमत बोजड़ा ने किया है। ये सीरीज सल्तनत उस्मानिया को कायम करने वाले उस्मान की जिंदगी पर बनाई गई है। ये अर्तुगरुल गाजी का अगला भाग है। अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया था कि कैसे सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी गई, और कुरलुस उस्मान में ये दिखाया जाएगा कि सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई। इस सीरीज में उस्मान गाजी के संघर्षों को दिखाया गया है कि किस तरह उस्मान गाजी दुश्मनों से लड़कर मुसलमानों का एक मजबूत साम्राज्य कायम करता है और उसे बखूबी चलाता है। इसमें दिखाया जाएगा कि उस्मान किस तरह रोमन अंपायर और मंगोलों के खिलाफ लड़कर अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य कायम करता है। सल्तनत उस्मानिया एक तरफ बेंजेंटाइन और दूसरी तरफ मंगोलियों साम्राज्य तक फैला हुआ था। उस्मान गाजी अपने विरोधियों और दुश्मनों का सामना करते हुए इस साम्राज्य का विस्तार करता है। सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे वे इन चुनौतियों को दूर करते हुए अपने वफादार साथियों और दोस्तों की मदद से अपने मिशन को पूरा करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सल्तनत उस्मानिया क्या थी और कैसी थी। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इस सल्तनत ने 600 साल दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहां तक कि पूरा भूमध्य सागर भी मुसलमानों के कब्जे में था। 17 ईस्वी तक दुनिया की आधी दौलत तुर्की के मुसलमानों के पास थी। जापान, रूस, फ्रांस जैसे देश इस सल्तनत से कर्ज लिया करते थे। ये सल्तनत इतनी विशाल थी कि जब इस सल्तनत का अंत हुआ तो इसमें 42 नए देश बन गए। इस सल्तनत ने केवल 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को जीत लिया था। खिलाफत उस्मानिया ने अपने दौर में 500 से ज्यादा जंगें लड़ी, जिसमें से ज्यादातर उसे फतेह हासिल हुई। रोमियो का गढ़ और अभेद किला, जिसे कुस्तुंतुनिया कहा जाता था, इतिहास में इसे कोई फतह नहीं कर पाया था। उसे भी उस्मान सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 21 साल की उम्र में फतेह कर लिया था। उस्मानी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। हमारी न्यूज छोटी होती है और सल्तनत उस्मानिया का इतिहास बहुत बड़ा है, फिर भी इतने वक्त में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकते थे हमने आप तक पहुंचाई। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी न्यूज कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।